इंतजार हुआ खत्म और शुरू करते हैं पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। कैसे हो आप सभी? जी हाँ दोस्तों, आज हम यहां पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि हम आज से ही और अभी से ही DSSSB और साथ के साथ KVS की PGT मैथमेटिक्स की तैयारी आपकी यहां करवाने वाले हैं, और वो भी तैयारी कैसे करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो आपको हम बता देते हैं कि हम यहाँ पर क्या प्लानिंग करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। हमारे पास तकरीबन 2 से 2.5 महीने का समय है दोस्तों, और इन दिनों में हम लोग चैप्टर को, यानी कि जो भी सिलेबस है हमारा, उनको एक कंप्लीट प्लानिंग के द्वारा, एक स्ट्रेटेजी के द्वारा डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड रूल के द्वारा पढ़ेंगे। और वो रूल क्या है मैं आपको क्लियर कट यहां समझा देना चाहता हूं। देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम उस चैप्टर का कंप्लीट आपको एनालिसिस करके बताएंगे, उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाले हैं, क्या क्या रिजल्ट्स है, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, ये हम फर्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। फिर सेकंड पार्ट जो आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, हम उस चैप्टर में, उस सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यूं कहें कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चन को ध्यान में रख के हम आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज देंगे क्वेश्चन देंगे, साथ के साथ उनको सोल्व भी करवाए जाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि हमने हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम आपको उस चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस करके पूरा थ्योरिटिकल, यानी कि पूरा एक वो कहते हैं ना क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं हम, कम समय में ज्यादा लाभ, वो वाली बात रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम आपको उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा देंगे। सेकंड पार्ट में हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाएंगे, और क्वेश्चन इस तरीके से लिए जाएंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम आज का जो कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि DSSSB और आने वाले जो KVS एग्जाम है PGT मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस तरीके से आते हैं, सारा एक बार नजर डालते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए KVS DSSSB KVS PGT सिलेबस 2023, ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने चैप्टर मेंशन कर दिए हैं। और ये चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपको यहां पर डिटेल वाइज पढ़ाने वाला हूं, या फिर यू कहा जाए कि 2 महीने में आपको पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा। नो फीस नो पेड, यानी कि हम यहां पर आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पेड कोर्स नहीं करवाएंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। यहां पर आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, और साथ के साथ आपको PDF फाइल भी दी जाएगी क्वेश्चन पैटर्न्स की, जिसमें क्वेश्चंस का पूरा एक सेट होगा जिसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई पेड कोर्स नहीं है यहाँ पर, टोटली सब कुछ फ्री है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी विद इन 2 मंथ एक अच्छी सी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं क्या क्या है। हमारा चैप्टर पहला आता है सेट्स एंड रिलेशन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा, सेट्स एंड रिलेशन रहेगा। उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा लॉगरिथम्स, थर्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोग्रेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शंस, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, क्वाड्रेचर, यानी कि ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको आप कह सकते हैं क्वाड्रेचर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D प्लेन, स्फीयर, एंड लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर दोस्तों 11th और 12th क्लास से लिए हुए हैं। इसके अलावा कॉलेज लेवल की मैथ की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, वहां से भी 2-3 चैप्टर आ जाते हैं, उनको हम बाद में लेंगे, पहले हम सारा फोकस 11th क्लास पे करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी यहीं से बनती है। 90% कहा जाए, या फिर यू कहा जाए 80 से 85% क्वेश्चन इसी सिलेबस से आते हैं, इसी सिलेबस चैप्टर से आते हैं। तो सारा का सारा फोकस कहीं ना कहीं हमारा इन्हीं चैप्टर्स पे रहेगा, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, यहां पर पहले आपको बता देता हूं, चैप्टर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट वन में पूरा हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले ले लेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लेंगे उस पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं, वो सारे लेंगे, ठीक है। तो आज का पहला चैप्टर इसी वीडियो से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है। तो पहला चैप्टर उठाते हैं हम,
तो पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने रिजल्ट्स हैं, उन सबको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर पहला कॉन्सेप्ट चैप्टर सेट से और रिलेशन से रिलेटेड क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा सेट ऑफ नंबर। देखिए हम यहाँ पर बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ही उठाएंगे, पूरे चैप्टर को डिटेल्स में अगर पढ़ने लगे तो एक चैप्टर को पढ़ने में हमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि पूरा जो हमने आपको यहाँ पर 22 चैप्टर्स जो बताए हैं ना, इनको पढ़ने में तकरीबन 6 से 8 महीने चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, और हम विद इन शॉर्ट ट्रिप विद प्लानिंग के द्वारा बहुत कम समय में काफी कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रैश कोर्स के द्वारा उन्हीं कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, उन्हीं फॉर्मूले को उठाएंगे जहां से क्वेश्चन और पूछी जाते हैं। और आपको मैं साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर देता हूँ, डी ट्रेवल्स भी की बात करें या फिर केवीएस की बात करें, ये ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखा है डी ट्रेवल्स भी का, आपने देखा होगा कि टोटली पेपर एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं, ज्यादा गहराई से पूछे हुए नहीं है। तो हमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट, उन सबको एक जगह रख लेना है, लिख लेना है कॉपी पेन लेकर के, उनको रिवाइज करना है, उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं श्योर देता हूं आप अपना टेस्ट इस बार जरूर निकालेंगे, अगर आप पिछली बार नहीं निकाल पाए हैं तो, ठीक है ना। तो अभी चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे होंगे सेट ऑफ नंबर्स, मैंने इनको क्या किया है, एक बॉक्स बनाकर आपके सामने रख रहा हूं, और कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए, फटाफट से कॉपी पेन उठाइए, सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको एक जगह लिख लीजिए, फिर इन्हीं बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा सेट ऑफ नंबर, इसमें बताया गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से लिखते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से लिखते हैं, आप इन सबका स्क्रीन शॉट लेकर के या फिर जूम करके आप इनको एक जगह लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप आगे बढ़ता हूं, तो भी समय इनको ज्यादा डिटेल में बार बार पढ़ते रहेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। ये सारी बेसिक बातें आप, मैं उम्मीद करता हूं अपने फर्स्ट बॉक्स नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सबसेट्स आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, आपको दिख रहा होगा पुरानी सेट्स ए बी एंड सी, ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, ठीक है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव तो एवरी सेट का सबसेट होता ही, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ए इज इक्वल टू अगर बी अगर होता है, इफ एंड ओनली कंडीशन क्या होती है, ए सबसेट ऑफ बी होता है एंड बी सबसेट ऑफ ए होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार कि अगर ए सबसेट बी है, बी सबसेट सी है, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने ये बॉक्स नोट कर लिया होगा, देखिए आप कॉपी पेन लेकर अपने पास रखिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको लिख लीजिए, और कल नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, और तकरीबन 2 से 3 दिन में हम एक पूरे चैप्टर को अपने हैंडल कर लेंगे, अपने आप में कब्जे में कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने आ गया होगा कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को अच्छे से जानते हैं, लेकिन पावर सेट ये तो आप अच्छे जानते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक सेट बना लेते हैं तो वो पावर सेट होता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो रिजल्ट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स है, ठीक है ना, किसी सेट का एन ऑर्डर है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर एन, ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन काफी D++B में पिछली बार हमने देखा था July 2018 में, इसी रिजल्ट पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप यहाँ पर रिजल्ट देख रहे होंगे, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने आ गया होगा कि सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन यहां पर हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे, यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आ जाएगा, फिर आप देख रहे होंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये बेसिक सेट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब सेट्स को किस तरीके से यूनियन किया जाता है, इंटरसेक्शन, इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए आप जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर D++B और KVS की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, इतना तो वो बेसिक जानता ही है कि भाई यूनियन कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो अब इन चीजों को हम ना थोड़ा गहराई से अगर ज्यादा उतरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। यूनियन क्या होता है आप अच्छे से जानते ही है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, बस हमें क्या करना है, उन रिजल्ट्स को, उन कॉन्सेप्ट को एक बार अपने माइंड में एक जगह रख लेना है, लिख लेना है, फिर उन पे बेस क्वेश्चन करना है, तो बहुत कम समय में बढ़िया रिजल्ट आपको यहां मिल जाएगा। देखिए तो यहां पर आपको यूनियन दिख रहा हुआ होगा, यहां पर इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, और
डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए माइनस बी है, तो इसका मतलब है हम सेट ए के एलिमेंट लेंगे, जो एलिमेंट बी सेट में चले जाएंगे उनको बाहर कर देंगे, उनको निकाल देंगे। ये ए माइनस बी सेट की जो खास बात होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बॉक्स नोट कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वीडियो अदरवाइज ज्यादा लंबा हो जाएगा। फटाफट से हम उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, उन्हीं फॉर्मूले पर कुछ फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि डी ट्रिपल सी ने 2 जुलाई 2018 में यहां से क्वेश्चन उठाया था, एक दो नहीं कब तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनाए थे डी ट्रिपल सी ने। देखिए टोटली रिजल्ट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं डी ट्रिपल सी में। और केवीएस की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ साइड से क्वेश्चन आया, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का, उसमें भी यहां से मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ साइड क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई दो साइड है ए और बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है, ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी निकाल लेंगे फिर बी माइनस ए निकाल लेंगे फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। आप इसको इस चीज तरीके से भी समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी में से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास कहीं ना कहीं सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यहां पर एक चीज और बता एक बात और बता देना चाहता हूं, कुछ किताबें में सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से लिखा जाता है ए डेल्टा बी से, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाता है, ठीक है ना, किसको दिखाता है सिमेट्रिक डिफरेंस को। लेकिन कुछ किताबों में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, और डी ट्रिपल सी में जब क्वेश्चन आया था तो इस सिंबल पर आया था, तो बहुत से लोग हैरान रह गए थे यार ये क्या चीज पूछ लिया, ठीक है ना, वो सिमेट्रिक डिफरेंस ही होता है, क्लियर है ना। तो यहां से इन दोनों का मतलब ये निकल के आता है, यहां से क्वेश्चन पिछली बार आया था और इस बार भी आने के चांस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमारा आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, हमारे पास ये आ गया आपके पास स्क्रीन पे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब कि यूनियन हमने अभी पीछे पढ़कर आया, अभी पढ़ा है हमने, जल्द देखा है यूनियन का, देखा है इंटरसेक्शन का, देखा है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिजल्ट बनते हैं, कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिजल्ट मैं आपको जो दिखा रहा हूं, आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इनको देख लीजिए क्या है, ठीक है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए है, ए इंटरसेक्शन ए यहां पर ए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बेसिक रिजल्ट है ये सारे यहां पर, एडम्पोनेंट लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी आप यहां पर देख रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटी, तो ये सारे के सारे जगह आपको एक ही समय में एक ही स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ रिजल्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, कल जब हम इस नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में क्वेश्चंस को इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बल्कि उसके आजू बाजू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप साथ के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है, आप देखिए स्क्रीन पर आपके सामने ये आ गया होगा, देखिए ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपके सामने नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आता है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट। देखिए कंप्लीमेंट्स और डिफरेंस को जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वहां से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, वो भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है। आपको दिख रहे होंगे कि ए माइनस ए क्या होता है, फाई होता है, किसी सेट में से कोई सेट घटाया जाता है वो भी सेट घटाएंगे तो फाई आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये तकरीबन 14, 15, 16, 17 लास्ट में डी मॉर्गन ला तक आपको दिख रहा होगा, डी मॉर्गन ला तक आपको दिख रहा है, ये सारे रिजल्ट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे रिजल्ट्स आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, कल हम इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए आज जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको देखिए आपके माइंड तुरंत ट्राई करेगा, यस बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट फाइनाइट सेट, यानी कि कोई भी आपके पास कोई सेट दे दिया जाता है। देखो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डी ट्रिपल सी में यहां से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था, और वो कहां से बना था मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये क्या बोलते हैं, ये रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट नंबर फोर्थ से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, और साथ के साथ मैं बात करूं पहले रिजल्ट से भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, ये ना। तो डी ट्रिपल सी में देखिए डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको कहना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ इन पे बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद। आपको दिख रहे होंगे सारे रिजल्ट
आप इनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लास्ट रिजल्ट में क्या लिखा है, अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं तो सभी सेट्स का यूनियन जो होता है उनको सबका सम हो जाता है, A1 प्लस A2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 सबको सम कर लेते हैं, क्योंकि उनका डिसजॉइंट जो आएगा ना, क्या बोलते हैं उनका, जब हम निकालेंगे डिसजॉइंट सेट है ये सारे के सारे, तो उनका इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं फाई आएगा, एमपीटी आएगा, नल सेट आएगा, तो यहां से उनका सबका सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे रिजल्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे 7th रिजल्ट दिख रहा है, वहां से भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, 6th रिजल्ट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट। नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखिए ये क्या होता है, आपके पास देखिए सेट्स आ जाते हैं, एक सेट हो, दो सेट हो, तीन सेट हो, चार सेट हो, तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में प्रॉपर्टी आ जाती है, कार्टिजन प्रोडक्ट से रिलेटेड बन सकते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट, देखिए मैं कार्टिजन प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में जाकर समय खराब करने वाला नहीं हूं, आप कार्टिजन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे जानते हैं। अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, तो उनका कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट एक सेट ही होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, तो इस बारे में ज्यादा गहराई से उतरने की जरूरत नहीं, कार्टिजन प्रोडक्ट अच्छे से जानते हैं। मेन बात क्या है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट उठाना है हमें, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें यहां से इनसे रिलेटेड फॉर्मूला उठाना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठाना है, हमें वो कैच करना है फटाफट से, ठीक है ना। तो ये कम समय में काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगता है, आप ये इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इसी प्रकार से आपसे नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, बहुत हेल्पफुल रहूंगा। अगर आप मेरे साथ देते हैं, ठीक है ना, कॉमेंट्स करके आप मुझे इस बात से मोटिवेट करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा है, आपको लाइक करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप मुझे लगता है कि मेरा काम भाई लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लोग तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं इस वीडियो को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू क्यों रखूंगा, सीधी सी बात है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, अगर आपको लगता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा सर ये तो समय खराब करने वाली बात है, तो फिर इसको यहीं बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, मेहनत मैं करूंगा रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना जरूर, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपने देख ली है, कुल मिलाकर 10 प्रॉपर्टी मैंने यहां लिख के दे रहा हूं आपको, ये सारी आप नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं चलता हूं डेफिनेशंस पे चलते हैं, कुछ देखिए ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये एक रिजल्ट के तरीके से आप जहां में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आज जितने भी मैंने रिजल्ट आपको बताया, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, वहां से तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो पिछले साल का पेपर उठाकर आप देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको तुरंत आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से उठाए हुए हैं। नेक्स्ट मैं डेफिनेशन ले रहा हूं, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ए सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। देखिए यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, डी ट्रिपल में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, दो सेट, एक सेट में ए सेट में एम एलिमेंट्स है, बी सेट में एन एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। सबसे पहले रिलेशन होता है क्या, कार्टिजन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही होता है, होता है कि नहीं होता है, तो कार्टिजन प्रोडक्ट के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही तो रिलेशन होंगे, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक सेट में एम है दूसरे में एन है, तो एम मल्टीप्लाई एन कितने हो जाएंगे, एम एल एलिमेंट हो जाएंगे, तो कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर m। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, बना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाता है दोस्तों डोमेन एंड रेंज, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, रिलेशन जो हो जाता है उसमें डोमेन क्या होता है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, वहां से जो सेट बनेगा वो डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स को जब इकट्ठा करेंगे सभी ऑर्डर्ड पेयर से, वहां से जो सेट बनेगा वो आपका रेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के चांस है, तो ये आपका एक रिजल्ट था। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा होगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। देखिए किसी भी रिलेशन का जब भी इनवर्स रिलेशन निकालना हो तो सबसे पहले वो रिलेशन पता होना चाहिए, अगर वो रिलेशन आपके पास है तो तभी उसका इनवर्स निकाल पाएंगे ना। तो रिलेशन आपके पास मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एलिमेंट्स एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए सेट यानी कि पहला सेट से, और बी आएगा दूसरे सेट से, तो ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देंगे, उनकी पोजिशन चेंज कर देंगे, दूसरे को पहले पे ले आएंगे, पहले को दूसरे पे, तो जो रिलेशन बनेगा वो आपका इनवर्स रिलेशन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इनवर्स रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट, मतलब जो रिलेशन होते हैं ना उन सेट के ऊपर डिफाइन होते हैं, उनमें क्या क्या टाइप्स आती है। ठीक है, इनके इनके डेफिनेशन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट को लॉजिकल पकड़ना है आपको। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है।
आइडेंटिटी रिलेशन की खास बात बता देता हूं मैं आपको। किसी सेट में मान लीजिए तीन एलिमेंट्स है तो उसके आइडेंटिटी रिलेशन में भी तीन एलिमेंट आएंगे। जितने एलिमेंट किसी सेट में होते हैं उसके आइडेंटिटी में उतने ही रिलेशन में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि तीन एलिमेंट्स है तो आइडेंटिटी में तीन रिलेशन में तीन एलिमेंट्स आएंगे। दो एलिमेंट्स है तो आइडेंटिटी रिलेशन में दो एलिमेंट्स आएंगे। कोई भी एलिमेंट खुद के साथ ही तो रिलेशन बनाएगा तो उतने ही आइडेंटिटी में रिलेशन बनने वाले। मैंने इसे यहां पर आपको एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही होता है, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, लेकिन फिर वही बात आइडेंटिटी में भी होती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन से ये कहता है कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है, जबकि रिफ्लेक्सिव ये कहता है खुद से रिलेटेड तो हो लेकिन अगर दूसरे से भी हो जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई एलिमेंट किसी सेट में दो एलिमेंट्स है वन और टू, तो वन वन तो होगा, टू टू तो होगा, ठीक है ना, लेकिन वन टू भी हो जाए तो रिफ्लेक्सिव को कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये होता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी ए आइडेंटिटी रिलेशन। सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मेरा एग्जांपल भी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया, मैंने इसमें एग्जांपल भी आपको दे रखा है, आप क्लियर कर लेना वहां से। ठीक है ना, ये रिलेशन आपको दिख रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, आपको दिख रहा होगा एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, उन्हें सेट ए आइडेंटिटी ऑन आई रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए मे नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन, आपको दिख रहा होगा। जो बात मैंने बोली हुआ देखिए स्क्रीन पे आपको सामने आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखिए किसी भी रिलेशन के लिए अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो उसका रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो बी ए उसमें होना चाहिए। अगर वन टू है तो टू वन होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से कंडीशन जब आएगी तो सिमेट्रिक, मैं जान उम्मीद करता हूं कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन आता होगा, नहीं आता तो मैंने डेफिनेशन यहां पर दे दी है, साथ के साथ मैंने एग्जाम्पल भी आपको यहां पर दे दिया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन आती होगी कि ज्यादा गहराई में उतरने की जितनी हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है फॉर्मूला पकड़ना है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी मिल जाता है, ये वो रिलेशन कैसा है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो ए रिलेटेड टू बी है, दिस इंप्लाइज बी नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक है ना, अगर ए और बी इक्वल नहीं है और ए बी से रिलेशन हो जाता है तो बी हंड कभी भी ए से रिलेटेड नहीं होगा, और अगर ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड ए है, तो ए और बी दोनों क्या होंगे? बराबर। देखिए इसमें दो एंटी सिमेट्रिक को दो तरीके समझ सकते हैं, अगर ए और बी बराबर नहीं है ये कंडीशन ले, और दूसरी ले ए और बी बराबर है। ठीक है, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो अगर ए बी से रिलेटेड हो गया तो बी ए से कतई नहीं होगा, एक तरीका तो ये एंटी सिमेट्रिक को। दूसरा तरीके से अगर हम ले ए इज इक्वल टू बी है तो 100% अगर ए बी से भी अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से 100% होगा। दो तरीके से समझ सकते हैं कि ए और बी बराबर हो और ए और बी बराबर ना हो, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया यहां पे, मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा सब। ठीक है ना, ये एंटी सिमेट्रिक की बात होगी। हम लास्ट अब इससे अगला हम रिलेशन लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो कहीं ना कहीं अगर ए सी से रिलेटेड हो गया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं स्क्रीन पे, आपको एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। देखिए वन टू थ्री फोर दो चार एलिमेंट्स हैं सेट में, तो वन वन ठीक है ना, वन 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 टू टू थ्री एंड वन थ्री। देखिए ये रिलेशन जो आपको दिख रहा है ना ये कैसा रिलेशन हो गया हमारे यहाँ पास, ये रिलेशन हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि वन का वन से कनेक्शन है तो वन से टू, तो वन टू मिल गया कि नहीं मिल गया, वन से टू ठीक है, और टू से थ्री तो फिर क्या बनता है वन थ्री भी आपको दिख रहा है, तो ये रिलेशन है आपका क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट रिलेशन लेते हैं आज का लास्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे इसी से जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन ये तीनों चीजें शो करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन डेटा प्लस में इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे, सिमेट्रिक चेक कर लेंगे और ट्रांजिटिव, तीनों हो गया तो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज एक भी फेल हो जाता है तो इक्विवेलेंस नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आज हमने चैप्टर वन सेट्स का पार्ट नंबर वन करवा दिया है, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले एक स्क्रीन पर आपके सामने रख दिया आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो में सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा तो मैं इसी वीडियो फट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहां से उठाए जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आने वाले 2 से 2.5 महीने में आपकी एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी में आपकी यहां पर करवा दूंगा विदाउट एनी फीस, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पेड नहीं, कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं आपसे, टोटली आपको यहाँ पे पूरा मेटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं ले ही रहा हूं, अपने प्ले लिस्ट में जाकर देख लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। और जो साथी कैंडिडेट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मोटिवेशन मिलता है, मुझे मेरा हौसला बढ़ता है, और मैं इसी प्रकार इस सीरीज को इस वीडियो को आगे बढ़ाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है, मेरी मेहनत को मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज कर दूंगा, आगे नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू रखूंगा। दोस्तों सपोर्ट कीजिए मेरा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, रिजल्ट आपको मिलेगा, गारंटी देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।